नमस्कार, स्वादला जवाब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी आलू की रसेदार सब्जी, जो खाने में बहुत ही स्वाद होती है, बहुत ही इजी है। घर में जो मसाले हैं, सामान है, उससे आप आराम से बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है, ताकि हम नई नई रेसिपी आपके साथ बहुत जल्दी जल्दी शेयर कर सकें। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन के साथ जरूर कर लें और हमारी स्वाद लाजवाब की फैमिली का मेंबर बन जाएं। आइए गोभी आलू की रसेदार सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन रख देंगे गैस पर, ऑयल डालेंगे 2 चम्मच है। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने गोभी काट कर धो के रखी हुई थी उसे इसके अंदर डाल देंगे, और आलू ये भी मैंने पहले से काटे हुए थे और इसका पानी निकाल दिया था। गोभी आलू को सैलो फ्राई करेंगे इसके अंदर हम। इसका कलर चेंज होने लगता है। सैलो फ्राई करने के बाद गोभी और आलू के फ्लेवर में चेंज आ जाता है। हमारा फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लिया हमने दूसरे बर्तन में। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डाल रहे हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, हींग, तेज पत्ता, 2 तेज पत्ते लिए हैं, थोड़ी सी दालचीनी और लौंग। इनको हल्का सा भून लिया। अब डाल देंगे प्याज इसके अंदर। प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे, प्याज का कलर चेंज हो जाना चाहिए, तब तक लगातार भूनते रहेंगे। अब इसमें डाल दिए हमने अदरक जो हमने काटी हुई थी और हरी मिर्ची। इसे भी 1 मिनट भून लिया है हमने। अब डालेंगे हम टमाटो प्यूरी, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हमारा इस सब्जी में मसाला अच्छा भुना हुआ होना चाहिए। इसमें मसाले डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च 1 चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार। चम्मच मैंने छोटी यूज़ करी है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और टमाटर को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। ये पूरा मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच दही। दही से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। दही डालने के बाद लगातार चलाते रहेंगे वरना ये फट जाएगा। फिर दोबारा से 2 चम्मच दही डालेंगे। एक साथ इसलिए नहीं डाला था कि ज़रा भी देर हो जाती तो वो फट जाता, हमें लगातार चलाना है इसे। दही डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसमें देखने में भी बड़ी रॉयल लुक आ जाती है सब्जी के अंदर। जो हमारे गोभी और आलू सैलो फ्राइड थे उनको इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस मसाले में, पूरा कोट हो जाना चाहिए। कोट हो गया है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। आपको जिस तरीके का रसा चाहिए उतना पानी ले सकते हैं। आपको ज़्यादा रसे वाली चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल दीजिए। इसमें मैंने 1.25 कप पानी डाला है।
अब इसको ढक के पकाएंगे हम। इसको तब तक पकाना है जब तक कि हमारे गोभी और आलू पक ना जाएं, और धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। बीच बीच में चेक कर लेंगे। इस सब्जी को पकने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं पानी डालने के बाद। ये गल चुके हैं हमारे गोभी और आलू दोनों ही चीज़। इसमें डालेंगे अब गरम मसाला 1 चम्मच और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपके पास मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले पहुंचेगी। सर्विंग बाउल में इसे निकाल लेते हैं। हमारी तैयार हो चुकी है गोभी आलू की रसेदार सब्जी, बहुत ही टेस्टी। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं ड्रेसिंग के लिए। इसे पराठे या पूरी के साथ सर्व कीजिए। गोभी आलू की रसेदार सब्जी। थैंक यू।